नकवल आप देख रहे हैं इंडिया पोस्ट न्यूज। खबर है प्रयागराज से, आइए देखते हैं। प्रयागराज तहसील 12 के अंतर्गत चौकी जारी के सामने पत्रकारों ने एसपी जमुनापार को घेरकर पत्रकार उत्पीड़न पर त्वरित कार्रवाई की मांग किया है। गौरतलब है कि तहसील 12 क्षेत्र के थाना कौदियारा के अंतर्गत चौकी प्रभारी जारी ने अपने रोब में आकर मनोज कुमार बिंद पत्रकार को समाचार संकलन के लिए चौकी जाने पर शांति भंग के आरोप में मुकदमा कायम करके जमकर मारा पीटा था। इसी प्रकरण को लेकर क्षेत्र के पत्रकारों में काफी आक्रोश है। एसपी जमुनापार ने पत्रकारों से कहा कि आपके प्रकरण की जानकारी प्राप्त हुई है, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज महोदय अभी नहीं है, इसी वजह से त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रही। आप लोग कल एक ज्ञापन हमें दे, हम जरूर कार्रवाई कराएंगे, आप लोगों के साथ अवश्य न्याय होगा। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील 12 के अध्यक्ष मोहम्मद अली भैयन, विकास गुप्ता, रोहन केसरवानी, मनोज बिंद दिलीप कुमार, राकेश कुशवाहा, शोएब अख्तर, मोहम्मद अली नईम अहमद, विनोद कुमार शुक्ला, शिवनंद त्रिपाठी, राजेश सोनकर, पिंटू श्रीवास्तव, राजेश सत्येंद्र तिवारी पत्रकार आर चेतना न्यूज रिपोर्टर, राजेश शुक्ला संपादक स्वतंत्र प्रयागराज। जो समस्या है हम जरूर सुनेंगे और आश्वासन भी दिया कि आपके साथ हम रहेंगे। कार्रवाई उन्होंने कहा है कि पहले हमको लिखित दीजिए, उसके बाद अपील करूँगा। जब लोग सब लोग इकट्ठा होकर के अपना माइक पेन जो भी है सब जमीन पर रख करके सीएम साहब के कार्यालय के सामने खड़ा होंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहाँ से नहीं उठेंगे और इस बीच में हम शांतिपूर्ण ढंग से धरना देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का तहसील इकाई का अध्यक्ष हूँ और अपने पत्रकार के लिए मैं जी जान से लड़ता रहूँगा। हमारे पत्रकारों का उत्पीड़न होगा ये बर्दाश्त की बात है। मेरा नाम है मोहम्मद अली भैयन और पत्रकारों के हित के लिए जो भी लड़ाई होती है उस समय तक लड़ेंगे। कार्रवाई नहीं होती है तो हम बृहस्पतिवार को पत्रकार का अपनी माइक डाउन करके डीएम साहब के मेन गेट पर बैठने का कार्य करेंगे। कार्रवाई जब तक नहीं होती है सर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा? एकदम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेंगे। हम वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गेट पर बैठेंगे और अपनी समस्या का जब तक समाधान नहीं होता है हम आगे लड़ाई लड़ते हैं।